कैमरे के सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आज से मैं बाद में पूछूंगी आपके ढोल के बारे में, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको मेरा डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे ये बताएं कि लड़कियां जो होती हैं ना बड़ी नाजुक सी होती हैं, तो गिटार चुन लेती हैं या मतलब कोई और काम चूज कर लेती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, सिंगिंग वैक्स से कर लेती हैं, आपने ढोल ही क्यों चुना? मुझे शुरू से ही डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक था। मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा, कॉन्गो सीखा, उसके बाद आई जंप इनटू ढोल, और जब से आई स्टार्टेड ढोल लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इसमें बहुत सारी हैं, सिंधी है, बलूची है, मतलब ट्रेडिशनल बीट्स के अलावा बहुत सारी, जैसे लीड जिसको हम बोलते हैं, आप कुछ अपने से जनरेट कर सकते हो, बीट्स तो बहुत सारी हैं। आप अगर मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो फिर आप कौन सा ढोल बजाएंगे? अपने साथ ढोल बजाना है और मैं फिर साथ में धमाल प्ले करूँगी। मैं परेशान हूँ, मेरा दिल टूट गया, इस तरह का कोई ढोल हो? दिल टूटे वह भी कोई ढोल नहीं होता। ढोल तो देख बहुत हैप्पी इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको हैप्पी साइड पे रह के प्ले करेंगे हम, मतलब हम सैडनेस में कभी भी नहीं, नहीं जाएंगे। या ऐसा क्यों, वैसे होना चाहिए था? नहीं, ढोल एक खुद एक बहुत लाउड है, बहुत हैपनिंग सी है, एक ये खुद एक ऐसी चीज़ है, तो अब इसको ना सैड साइड पे नहीं लेके जाएं। स्पेशली शादियों पे जाती होंगी तो वहाँ पे लड़के शड़के भी होते हैं, तो उस तरह से उस तरह से कभी कोई आया लड़का आपके पास आया कि रिश्मा मैं आपका ये ढोल सारी जिंदगी के लिए सुनना चाहता हूँ, तो विल यू? मैं शक्ल से इतनी गुस्से वाली लगती, मेरे करीब इस तरह से कोई भी नहीं आता। इतनी प्यारी लग रही है, इतनी हंसमुख लग रही है, लग रही हूँ आपको, लग रही हूँ। अगर कोई लड़का इस तरह आना चाहे तो? नहीं, वो आ ही नहीं सकते, मेरे से गार्ड्स होते हैं। मैं अभी देख रही हूँ आप लोगों को तो नजर नहीं आएगा, इन्होंने ना दांत के अंदर एक दिल बनाया हुआ है, गोल्ड का दिल है। हाँ, इतने ज्यादा पैसे आ गए? ये तो शुरू से मेरे एक शौक था, तो ये मैंने लगवाया हुआ है। हंसे ऐसे करके ताकि हमारे व्यूवर्स भी देख लेना। नहीं ना, हमने दिल देखना है, ये वाला दिल नहीं देखना, ये वाला दिल देखना, बस जितना नजर आ रहा है उतना काफी है। ये पेनफुल था जब आपने लगवाया? नहीं, मैं काफी छोटी थी जब मैंने लगवाया था, शुरू से अमीर है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये बात कर रहे थे कि आप डेली शादियों पे जाती, शादी का सीजन एंड नहीं होता है, तो कितने पैसे आप इससे कमा लेती हैं? एक आईफोन आ जाता है, पीटीआई अप्रूव्ड, प्रो मैक्स लगा, आईफोन 6 आ जाते हैं, आ जाते हैं कोई 8-9 आईफोन आ जाते हैं। रिश्मा मरियम इतने पैसे कमा लेती है कि मंथली कोई 8-9 फोन? टैक्स पेयर हूँ मैं, टैक्स पेयर हूँ बिल्कुल। भाई जबरदस्त मौजे हैं इनकी, मौजे। अच्छा मुझे बताएं कि इतनी प्यारी है माशाल्लाह, आप लोगों को दूर से नजर आ रहा होगा, आंखें नशीली, बाल इतने प्यारे सिल्की, तो रिश्ते तो काफी आते होंगे? नहीं, अभी तक मुझे मतलब मेरी पेरेंट्स को, मेरे बाबा नहीं है, मेरे नाना बो और मेरी मामा को अभी तक मेरे लिए कोई पसंद नहीं आया, जब कोई आया तो ज़रूर मैं शादी कर लूँगी। क्या देखती हैं अगर कोई लड़का आप देख रहे हैं आपको, तो आप क्या कहती हैं कि भाई वो जो लड़का है ना ऐसा होना चाहिए, ऐसे उसके बाइसेप हों, ये उसके प्यारा होना चाहिए, अमीर बेशक भी ना हो तो जाहिर है आपके पास इतने पैसे हैं कहाँ लेके जाने आपने, वो बेचारा खैर है वैसे नॉर्मल फैमिली से भी हो तो चलेगा। या वैसे ना ये खुद कहेंगे ना कि मैं ज्यादा प्यारी हूँ, बेचारा सारी जिंदगी, हाय रिश्मा कितने प्यारे हाथ हैं, रिश्मा ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वो तो ऐसे ही करता रहेगा सारी जिंदगी। अच्छा मुझे बताएं कि मैं काफ़ी सारी, हम वैसे आपकी बात करते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस देखती हूँ ज़ीशान रोकड़ी साहब के साथ, बड़े प्यारे लगते हैं वैसे वो आपके साथ, तो लोग काफ़ी सारी बात करते हैं, मुझे बताएं क्या लगते हैं वो आपके, इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके साथ? ही इज़ वेरी गुड कंपेनियन ऑफ माइन, और उसके अलावा वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कोलीग है, और बहुत अच्छा इंसान है वो। अच्छा, तो इतना काफ़ी, अलावा कुछ भी नहीं? इसके अलावा वो मैरिड है माशाल्लाह, उसकी एक बेटी भी है जी, मतलब जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान की वाहिद खातून हैं, खातून है या लड़की है? खातून मतलब? खातून लड़की होती है, थोड़ी बड़ी आ जाती है, तो आप मुझे आंटी भी कह लें तो आई डोंट माइंड। अच्छा आप पाकिस्तान की? आई एम 26, तो आप मुझे आंटी भी कह लें तो आई डोंट माइंड। मेरे से छोटी, मेरे से बड़ी है, पता है मैं 17 साल की हूँ। यू कैन कॉल मी आंटी, आई डोंट माइंड।
पहली लड़की देखी है मैंने जो इस तरह कह रही है। अच्छा मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान की वाहिद लड़कियां जो ये ढोल प्ले करती हैं, तो जो बाकी लड़कियां देख रही हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे, क्या ये फील्ड में अच्छा है? बिकॉज जब मैंने ढोल स्टार्ट किया था पाकिस्तान में कोई भी बंदी ढोल प्ले नहीं कर रही थी। अभी मैंने देखा हर लड़की ने ढोल पहना हुआ है, तो जिसको बात करने का भी तरीका नहीं आता वो भी कह रही है कि ओ आई एम द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर एंड दिस 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 दिस। तो ऐसे नहीं होता, गोल्ड बाल गोल्डन कर लेने से, ये 3D हेयर लगाने से आप रिश्मानी बन जाएंगे। यही सुनना चाह रही थी कि इस तरह करने से आप रिश्मानी बन सकते हो। टचवुड मतलब ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, बट अरिश्मा के हाथों में छाले बनते हैं, अरिश्मा ब्लड क्लॉट इसके ढोल के बर्दाश्त करके फिर मतलब एक नाम बना है, ऐसे नहीं होता। तो आप सीखें सीखें उसके बाद फिर आप एक स्टेज पे हैं। अभी देखें मैं कहीं परफॉर्म कर रही हूँ, 10 मार्क्स मेरे कपड़ों के हैं, 10 मार्क्स मेरी अपेयरेंस के हैं, 10 मार्क्स द वे आई टॉक द वे आई प्रेजेंट माई सेल्फ, फिर जाके टैलेंट आता है। आप पूरा जब कंप्लीट पैकेज होते हैं फिर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट ग्रूम योर सेल्फ। अच्छा मुझे बताएं कि जब लोग आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, तो आप क्या कहते हो कि मैं ढोल बजाती हूँ या उन लोगों को बजाती हूँ? पूछते ही नहीं लोगों को, पहले ही पता है हु आई एम आई। कभी ऐसा हुआ है कि मॉल्स वगैरह में गई हो तो वहाँ पे लोगों ने आपसे पूछा हो कि आज आप अपना ढोल नहीं लेके आई हैं साथ, या हमें थोड़ा सा ढोल बजा के दिखा दो, हम आपके बहुत बड़े फैन? मास्क पहना हुआ होता है फिर भी लोग सेल्फीज के लिए आ जाते हैं, तो ज़ाहिर है फैंस हैं उनको रोका तो नहीं जाता, तो मैं फिर अच्छे से पिक्चर्स बनवा लेती हूँ। बॉयज़ के साथ थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मैं जिनको नहीं जान रही होती हूँ वो फिर ऐसे ही कहते हैं कि जी शी इज़ माई गर्ल एंड ब्ला ब्ला। हाँ तो वो फिर मैं कोशिश करती लेवल किस्म की गर्ल, तो वो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि फैमिली के साथ ज़रा फोटोज़ बन जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं हमेशा देखती हूँ ना कि जो ढोल बजाने वाले होते हैं इतने बॉल रखाए हुए होते हैं, ऐसे ऐसे करके ढोल बजा रहे हो, मतलब उनके बॉल ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं कि वो दो दो दफ़ा उधर बजाते हैं फिर एक दफ़ा, वो वाला ढोल भी आप प्ले कर सकते हो? हाँ, मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा बजा के दिखा दें मुझे, एक साइड इधर बजाना होता है फिर दो दो साइड ऐसे ऐसे करके उधर करना होता है। जबरदस्त जोरदार तालियां, सारे पैसे आपके लिए। पैसे तो नहीं है मेरे पास, वाले पैसे नहीं चाहिए, मैं ये वाले पैसे मैं नहीं लेती हूँ, ये वाले आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ पर्सन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पे नए तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।